هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى كليه ساري تعريفه हम दो है, हैं सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के बंदे बहुत सारे अमाल हम लोग करते हैं नेकी समझ कर करते हैं तो इस सिलसिले में कोई भी आमल करने से पहले आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि वो अमल इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक हो जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया वमयैराम वफ़ी आख़िरन सूरत वाल, सूरत आल इमरान आया नंबर पचासी जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और तरीके ज़िंदगी इख्तियार करना चाहे उसका तरीक़ा हरगिज़ कबूल न किया जाएगा व आखिरत में नाकाम और ना मुराद रहेगा तो बात ये समझ में आती है कि मैं और आप जो भी अमल करना चाहते हैं वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो उमीन आयशा अल्लाहु ताला ता फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमरीना कोई भी आदमी दीन में कोई ऐसा काम किया जो शरीयत में नहीं है तो वो काम मरदूद है मरदूद की माने अल्लाह ताला उसे रद कर देंगे तो मालूम यह हुआ कि हम जो भी काम करते हैं उसको शरीयत में उसकी हैसियत होनी चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े के मुताबिक वो काम होना चाहिए अब्दुल्ला बिन मसऊ रजा तन फ़रमाते हैं आज जो भी काम हम देखते हैं जो बिदातों के बिदतीियों के काम हैं वो लोग क्या कहते हैं हमारी नीयत अच्छी है हम जो भी काम करते हैं अगर आप मौलूद मनाने वालों से कहें कि साहब आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका हुक्म अल्लाह के नबी ने ना दिया है जब साहब कराम ने ना किया है तबईयीन ने ना किया है तो कहते हैं कि देखो साहब हमारी नीयत अच्छी है हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है आप लोगों से आप लोगों को अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है इसलिए आप क्या नहीं करते हैं मौलूद नहीं मनाते हैं जबकि अल्लाह के नबी की मोहब्बत ने हमको मजबूर किया कि हम मौलूद न मनाएं देखिए अल्लाह के नबी वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कम ममरी दिन खैर लन युसीबा कितने ही नेकी का इरादा करने वाले ऐसे लोग हैं जो खैर को पा नहीं सकते काम करते हैं नेकी का इरादा है लेकिन वो नेकी उनको मिलती क्या नहीं मिलती कितने लोग ऐसे करते हैं तो बिदात को मामूली समझने वालों की तरफ से जो हमेशा ये कहा जाता है जो शख्स अल्लाह ताला का तकरुब हासिल करने के लिए बिदात करता है उसकी नीयत तो अच्छी है क्या बोलते हैं अच्छी नीयत से हम लोग करते हैं इसलिए काम भी अच्छा होगा तो मौलूद बनाना भी क्या है अच्छा है मौलूद बनाना भी क्या है अच्छा अच्छी नीयत से हम लोग करते हैं तो उसका जवाब यह है कि मकसद नेक हो आपका मकसद अच्छा है मकसद नेक होने के साथ साथ ज़रूरी है कि वो काम भी सुन्नत के मुताबिक हो आप जो भी नेक मकसद से काम करते हैं वो मकसद भी क्या हो वो काम भी क्या होना चाहिए सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए अगर वो अमल सुनत रसूल के मुताबिक नहीं है जाहिर वो कितना ही अच्छा महसूस हो अल्लाह ताला के हाँ वो अमल मरदूद होगा कितना अच्छा काम करो लेकिन वो अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत के, के मुताबिक नहीं है तो मरदूद होगा बल्कि वो अमल अच्छा हो सकता ही नहीं सर ऐसे वो अमल क्या नहीं है अच्छा नहीं है जो रसूल अल्लाह वसल्लम ने ना किया हो नीयत अच्छी हो फिर भी वो काम मरदूद है रसूलुल्लाह रसूल का मदकूरा फरमान है मन अहद अमरीनात जिसने दीन में हमारे दीन में ऐसा अमल ईजाद किया जो उसमें से नहीं है तो मरदूद है कोई भी काम तो पहली बात ये समझ में आई कि आप कोई भी काम करें अच्छे मकसद से करें आपका मकसद नेक है लेकिन साथ साथ वो काम भी क्या होना चाहिए सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए मकसद अच्छा है और काम सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला वो काम कबूल नहीं करेगा देखिए एक शख्स ने कुर्बानी किया साहब कराम के जमाने में एक सहाबी ने क्या किया कुर्बानी कुर्बानी करना अच्छा काम नहीं काम उससे बढ़कर कोई काम है आप बाजार जाएं पैसा खर्च करें बकरा ख़रीदें कुर्बानी दें लेकिन चूंकि वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं था इसलिए वो काम क्या हो गया गलत हो गया गलत हो गया देखिए बरदा बिन दिनार रजियाल्ला बरा बिन आजिब के मामू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा आए वो अबू बरदा बिन दिनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया आकर कहा अल्लाह के नबी मैंने ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी दे दी क्या कहा मैंने समझा खाने पीने का दिन है जल्दी कुर्बानी कर लेंगे बाद में नमाज पढ़ लेंगे जल्दी तैयार हो जाएगा तो लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे वह अहबब तो सुना आपने देखिए मैंने ये चाह कि आज के दिन सबसे पहले मेरे घर में जबाह हो इसीलिए मैंने क्या कर लिया कब कर लिया नमाज से पहले नमाज से पहले कर नमाज के बाद करें तो कोई मसला ही नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने नमाज से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई कुर्बानी अच्छा काम है नियत अच्छा काम है लेकिन चूंकि नमाज से पहले किया ना कुर्बानी नहीं हुई शातु लहमिन ये कौन सी कुरबानी है तुम्हें घर में गोश्त के वास्ते जबा कर लेते नहीं वो गोश्त के वास्ते जबा कर दिए क़ुरबानी में वो क्या नहीं आएगा हिसाब नहीं आएगा ये सिर्फ बकरे का बकरी का गोश्त है लई सामिना नुस्की मिनशई क़ुरबानी का सवाब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा जानवर दबा हुआ अल्लाह के नाम पर जबा हुआ पैसे खर्च हुए कुर्बानी समझा लेकिन चूंकि अमल अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ तो मालूम यह होता है कि सहाबी की नीयत बहुत अच्छी थी सहाबी मामूली इंसान थोड़े हैं सहाबी बहुत अच्छी थी लेकिन अमल वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं था आपने उसे कुर्बानी करार ही नहीं दिया कि कुर्बानी नहीं हुई आपने फरमाया ये कुर्बानी नहीं है यह क्या नहीं है कुरबानी नहीं है देखिए शेख अबू मोहम्मद बिन जमरा का कौल है कि इससे साबित हुआ कि अमल अगरचे अभी अभी अच्छी नीयत से किया गया हो अमल कितनी अच्छी नीयत से किया गया हो उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक के शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना हो यह तो कुर्बानी की बात थी रोज़ा रोज़ा अच्छी चीज़ आप सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन कैसे होना चाहिए रोज़ा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए ये देखिए जाबिर बिन अब्दुल्लाह जाबिर बिन अल्लाह रबील्न इनके ताल्लुक़ से आ, मैं चाहता हूँ कि एक फ्राइडे लेक्चर ये सहाबी के ताल्लुक़ से क्या करें टॉपिक रख के डालें बहुत आ, अच्छे जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन के अल्लाह के नबी नबीम के साथ बहुत अच्छे मौक़ हैं मौाफ़ के माने ओकेशंस तो कैसे अल्लाह के नबी नबीम ने उनके साथ ये किया बहुत अच्छा ये है तो निकाल दीजिए अच्छा रहेगा जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह कहते हैं अनूल अल्लाह खरजापत अल्लाह के नबी नबीसम फतेह मक्का के साल निकले मक्का मक्ह होने जा रहा था अल्लाह के नबी नबीम सफ़र पर निकले कहाँ जाएंगे इला मक्का मक्के कब निकले हैं रमज़ान के महीने में रमज़ान के महीने में क्या होता है रोज़ा होता है हत्ता क़ुर गमीम एक जगह का नाम है कुराल गमीम वहाँ तक अल्लाह के नबी नबीसलम मक्के से निकल कर वहाँ तक पहुँचे फसाम अन्नास सारे लोग रोज़े से हैं रमजान का मही रमज़ान का महीना है सारे लोग रोजे से हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने देखा कि एक तो चिलचिलाती धूप है दूसरा सफ़र है और रमज़ान का मौका है साहबा रोजे से हैं और ये सफ़र है तो अल्लाह के नबी जग मंगाया तुम मद बद पानी का जग कॉफी नहीं दूध नहीं क्या था वो पानी का जग फाह उस जग को ऐसे उठाया अल्लाह के नबी ने कि सारे लोग देख लें सारे लोग देख लें तुम माँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको पी लिया लोगों को दिखाए बगैर भी पी सकते थे अब लोग हैरान अरे रमजान का मौका है अल्लाह के वसल्लम जग उठाकर पी रहे हैं।

तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या कहा? उलाइकल उसात उलाइकल उसात यही लोग नाफरमान हैं क्या कहा अल्लाह के नबी ने यही लोग नाफ़रमान हैं यही लोग नाफ़रमान हैं तो मालूम यह होता है कि उन्होंने रोज़ा रखा अच्छा ही काम किया लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम के तरीक़े पर नहीं रखा तो इससे मालूम हुआ उन लोगों की नीयत बड़ी अच्छी थी और अमल भी बज़ाहिर बहुत अच्छा था लेकिन रसूल अल्लाह वसलम के तरीक़े के मुताबिक नहीं था तो आपने ये नहीं फरमाया कि अच्छा मैं रोज़ा नहीं रखे तुम लोग रखे अच्छा करे अच्छा करे अल्लाह के नबी से ऐसा नहीं बोले क्या बोले आपने उनको नाफरमान कहा आपने उनको क्या कहा नाफ़रमान कहा अल्लाह के नबी नबीसम के हुक्म को उन्होंने नहीं माना पहली बात कुर्बानी की सुनी दूसरी बात इसकी सुना हमने रोज़ा चलिए तीसरी चीज नमाज नमाज की बड़ी अहमियत है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तो तारन कहते हैं बाबी अब्दा बिन रवा सर مع رسول الله صلى फ़गदा عليه وسلم ثم الحقهم ये देखिए कितना अच्छा Allah के वसल्लम ने एक सरिया कहते हैं एक फौज क्या एक टुकड़ा जिसमें कुछ लोग हों के वसल्लम ने बिन रवाहा को उस मिलिट्री का जो एक ये था एक क्या बोले बटालियन उस पर अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन रजी अब्दुल्ला बिन रवा को उसका कर्नल या जर्नल जो भी था बनाकर भेजा के जाओ तो फवा कदाली का क्योम जुमा तो जुमे के दिन निकलना था उन लोगों को तो जो जो लोग उसमें नाम लिखाए थे सो क्या हो गए निकल गए जुमा भी था लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था निकलो सारे लोग निकल गए तो अतखल तो, रसूल सल्लासम तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन रवााहरल तन ख़ुद इनके बारे में कहते हैं तो मैंने सोचा आ, बासन तख्लफ उसली मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जुमा का वक्त है मैं अल्लाह के नबी नबीम के साथ जुमा पढ़ लेता हूँ फिर अल्लाह के नबी नबीस ने जिस फ़ौज में मुझे भेजा है मैं उनको जाकर उनसे मिल जाऊँगा तो अल्लाह के नबीसम ने जुमे के वक्त इनको देख लिया इनको कहाँ भेजे थे, थे, थे? अल्लाह के नबी उनके साथ भेजे थे अल्लाह के नबी ने पूछा सूछा मकदू मैंने आपसे कहा था ना कि जाना है आपको आप उनके साथ क्यों नहीं गए फकाल तुम उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी अल्ला मैंने चाहा कि आपके साथ जुमे का सवाब पा लूँ जुमा अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ना कितना बड़ा सवाब का काम है मस्जिद नबी में पढ़ना कितना बड़ा सवाब का काम है मैंने कहा कि यह सवाब मैं ले लूँ फिर उनके साथ चला जाऊं अल्लाह के नबी फरमाया, अल्लाह गदू, के नबी नबीन ने फरमाया कि अगर तुम जमीन भर की चीज़ें अल्लाह के राह में खर्च कर दो तो उनके साथ निकलने का जो सवाब था वो सवाब तुमको क्या नहीं मिलेगा देखा आपने अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो काम कह दिया है उस काम को करना है आप अपने तौर से क्या नहीं कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बात कही अगर तू जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर दे तब भी अपने साथियों के साथ सुबह सुबह जाने का सवाब ना पा सकेगा तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रवा रजियाल्ला अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी रवा रजियल्ला उनकी नीयत क्या थी अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी रवााहर रनू की नीयत अच्छी थी क्या अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह की नीयत अच्छी थी अमल भी बहुत अच्छा था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं था आपने उसे नहीं फरमाया बल्कि आपने उन लोगों के कहा कि जमीन भर की नेकिया भी आप खर्च करोगे तो उन लोगों के अजर को नहीं पा सकोगे तो ये तीन चीज़ें हमारे पास थीं रोज़ा नमाज़ ये अल्लाह के जंग में जाने का सवाब नीयत अच्छी हो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह न तो रोज़े को कबूल करेंगे न तो नमाज़ को कबूल करेंगे न किसी और चीज़ को कबूल करेंगे ये देखिए इसी तरह ईसाइयों की रहबानियत है अल्लाह के नबी से वसलम ने शादियाँ की हैं अगर कोई शादी ना करे आँ बोले कि नहीं नहीं मैं सिंगल रहना चाहता हूँ तो आ देखिए अल्लाह के नबी से फरमाया ला तुशिद ला तुशदू ला अला अनफुसिकुम फैशा अल्लाह अलैकुम अल्लाह के नबी से फरमाया कि खुद पर सख्ती ना करो अल्लाह भी तुम पर सख्ती करेगा हम कितना अपने ऊपर सख्ती करेंगे अल्लाह ताला भी हम पर सख्ती करेगा ये कौम ने अपने आप पर सख्ती किया तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्ती की तो अल्लाह ताला ने मर्द और, और औरत को एक फ़ितरत पर पैदा किया एक उम्र आने के बाद औरत को मर्द की मर्द को औरत की ज़रूरत पड़ती है अगर इस तरीक़े से वो लोग अपनी फितरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे तरीक़े से जाएंगे जिसका अंजाम आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो कहलाते हैं कैसे कैसे केसेस उनके ऊपर हैं कैसे कैसे कारनामे सियाह कारनामे उन्होंने किए तो बात ये हुई कि साथ साथ कहते हैं एक तो हमने पढ़ा रोज़े के बारे में नमाज़ के बारे में अल्लाह के रास्ते में ग़ज़े में निकलने के बारे में यहाँ तक के आप दुआएं भी पढ़ते हैं तो वो भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए ये जितने मौलूद मनाते हैं अगर वो लोग ये कहते हैं कि हमारी नीयत अच्छी है तो हम कहेंगे कि अमल गलत है क्या है अमल गलत है ये देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तहबी हैं एक मस्जिद में देखा आज यही ना होता है आज हमारे उधर वहाँ एक पीर साहब हैं हमारे पास तो वहाँ वो वो इतना लोगों में वो ये हो गए हैं लोग उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते ये एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते इस तरह वो लोग क्या करते हैं दिलों में क्या करते हैं रब्बानी का काम है कि लोगों में सही अक़ीदा बिठाएं ये लोग अपनी मोहब्बत बिठा देते हैं नहीं अभी एक साहब की मोहब्बत ऐसे आई है वो क्या करें हैं उनकी मोहब्बत में जो किबार हैं उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अगर हिदायत है तो हिदायत दे नहीं तो उनको सजा दे ठीक है तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तु कहते हैं कि मस्जिद में हल्का बनाकर कुछ लोग बैठे हुए थे एक मस्जिद में गए अब्दुल्ला बिन मसूद और रजियल्ला वह देखा कि कुछ लोग एक गोल हल्का बनाना मतलब ग्रुप बना के बैठे हैं जिनके हाथों में कंकरियां थी उनके हाथों में क्या था कंकरियां थी तो उनमें से एक आदमी कहता सौ बार अल्लाह अकबर कहो वो कंकरियां गिनते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कितनी मरतबा हंड्रेड टाइम्स और वो कंकरियों पर शुमार करके सौ बार अल्लाह अकबर कहते फिर वो कहता बार सुबहान अल्लाह कहो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह गोल बैठ के सौ बार ऐसे ही करते हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद वहां बैठे हुए थे उठकर खड़े हो गए तो साहबा किसी मस्जिद में बिदात होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाते उठकर खड़े हुए खड़े होकर कहा कि मैं क्या देख रहा हूं आप लोग क्या कर रहे हैं तो जो लोग वहां बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं तकबीर तो पढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं ली पढ़ रहे हैं हम गलत थोड़ा ही कर रहे हैं सही ना सही तो कर रहे हैं तो अब्दुल्ला तो तुम अपने गुनाह शुमार करो अपने जमानत देता हूं कि तुम्हारी कोई ने की ना होगी तो गुनाह शुमार करने से अमाल दाए नहीं होते बिदात ऐजा करने से गुना दाये हो जाते हैं तो फिर अब्दुल्लाया उम्मत महम्मत मोहम्मद की उम्मतियों तुम पर अफसोस है कि इस कदर तेज़ी से हलाकत की तरफ लुढ़क गए हो ये तुम्हारे नबी वसल्लम के सहाबा अभी भी जिंदा हैं ये अल्लाह के नबी वसल्लम के कपड़े हैं जो अभी पुराने नहीं हुए हैं ये अल्लाह के नबी वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे हैं उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है या तो तुम ऐसे तरीक़े पर हो जिसमें अल्लाह के वसल्लम के तरीके से ज्यादा हिदायत पाई जाती है या तुम गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो तो उनका काम अच्छा था सुबह अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ रहे थे लेकिन अल्लाह के नबी का तरीका नहीं था अल्लाह के नबी वसल्लम ने तस्बीह का क्या तरीका बतलाया हाथ अब नए नए तरीके आ गए एक साहब को देखा मैं वो हाथ में तस्वीर निकलती नहीं है ऐसा 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 बुलाई क्या है समझ में नहीं आया अच्छा अब वो लेटेस्ट चैना का एक मशीन टक टक, टक, टक मर ले करो कितनी बदल गई दुनिया लोग पता नहीं क्या का? सीधी सीधी बात आप उंगली पे गिने सही है अच्छा ठीक है तो उन्होंने अब्दुल्ला को जवाब दिया कब हम लोग नेक नियति से काम कर रहे हैं आज जितने मौलूद मनाने वाले हैं आप उनको कहें तो वो लोग भी जवाब देते हैं हम नेक नियति से जवाब ये काम कर रहे हैं कहीं से ऊंट पकड़ के लाएंगे किसी साहब को लंबा झुब्बा पिनाएंगे सौप पिनाएंगे ऊट कर बिठा दें। अरे क्या बताना चाहते हैं आप ऊंट क्या है ये साहेब क्या है आ? ये हमारे पास वो एक पुराना बुढ़ा वॉचमैन रहता था अः उसे झुब्बा पिना के बड़ा लंबा बड़ा तो अच्छी चीज है लिबास को लेकिन हर एक को तोप अच्छा नहीं लगता थोड़े लोगों को मैं देखा हूं उन्होंने तोप पहनते ही उनकी चाल बाल सब बदल जाती क्या समझ जाते हैं उन्हों तोप पहन के उन्होंने तो पहनते ही उनका अंदाज बात करने का स्टाइल सब दिन ऐसा छलकते रहता लिबास अपनी जगह है लिबास को आप ऐसे पहने पहन सकते हैं सब अच्छा लिबास है जिसम को सातिर होता है लेकिन उसके पहनते ही हमारे और आपके अंदर क्या नहीं आना चाहिए एक तरह का तरफों नहीं आना चाहिए कि मैं मैं ये पहनकर अपने आप को स्पेशल समझने लगूं। अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद है इसीलिए बनी इसराइल की उस हदीस को बयान किया गया कि वो आदमी जो पहनकर नया लिबास अकड़ के चल रहा था क्या हुआ अल्लाह ने जमीन में उसे धसा दिया कब तक धसता रहेगा रहेगामत की सुबह तक इसलिए आपकी कोई चीज आपके अकड़ में इजाफा ना करे ना आपका इल्म ना आपकी डिग्री ना आपके कपड़े ना आपका आपकी गाड़ी ना आपका घोड़ा कोई चीज क्या नहीं करे आपकी अकड़ में इजाफा ना करे इसलिए कि आप जितने बढ़ते जाएंगे उतने आपके अंदर पैदा हो सिंपलिटी पैदा हो ये देखिए इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो नमाज में रुकू और सजदा मुकम्मल नहीं कर रहा था एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन रुको और सजदा उसका सही नहीं है उसने नमाज उसने नमाज ख़त्म कर लिया ख़त्म करके अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आया अल्लाह के नबी मैंने नमाज पढ़ लिया अल्लाह के वसल्लम ने क्या कहा मा सलीफ सल्ली न सल कलम तो जाओ तुम नमाज पढ़ो तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी ब होलता मुता मोहम्मद अगर तुम इस तरीके पर मरोगे, तो अल्लाह के नबी के तरीक़े के अलावा तरीके पर मरोगे। तो नमाज पढ़ना अच्छा काम है लेकिन इस तरीके से अब ये क्या होता है मौलूद में सारे गलियों में झंडे लगाए जाए आप के यहाँ लगाते नहीं लगाते झंडे लगाते हैं पटाखे चलाते हैं हाँ? और वो किताब पढ़ी जाती है पूरे बारह दिन किताब पढ़ते हैं और उसके बाद वो अजीब वो, वो वो ये निकलता है और ढोल बजते हैं बैंड बाजे बजते हैं बोलते हैं कि मौलूद मिलाद की खुशी मनाते हैं वो काम जो साहब कराम ने नहीं किया अल्लाह के नबी नबीम ने नमाज़ पढ़ने वाले को सही तरीक़े से नहीं पढ़ा तो एक चीज़ जो मैंने नोट किया आप भी नोट करें होंगे ये जो हमारी मस्जिदें भर जाती हैं है, नमाजियों से लेकिन एक सफ़ भी सही नहीं रहती नहीं सफ़ों में न कांधे से कांधा लगते हैं न टखने से टखना लगते हैं हर कोई अपना आएगा सफ़ में ठहरेंगे बुरा मैं अलग खड़ को नमाज पढ़ो को चले जाता ऐसा पढ़ना है तो घर में पढ़ो कई को आते मस्जिद को कई को आते अगर वर्क उमार यहा मतसरा अगर इसकी रूह अगर आपको मुकम्मल करना है तो बाजू वाले के साथ सट कर ठहरो कांधे से कांधा लगाओ टखने से टखना लगाओ और वैसे सफ़ बनो का नुम बुनियान मरसूस नहीं मैं अलग कौन पैर टखना लगाने गया हूँ तो दूर हटते जाते कहाँ तक हटेंगा इन्हें हटा लगाते जाती हैं उन्हें हटते जाते तो लोगों को बताना जरूरी है कि हमारी नमाजें गैर मकबूल इसलिए हैं कि हमारी सफ़े क्या नहीं हैं सफ़े सही नहीं हैं इस पर भी लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए देखिए अबू अबोर रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में आया और नमाज पढ़ी फिर आकर नबी वसल्लम को सलाम किया आप वसल्लम ने जवाब दिया इर्ज फसल्ली फ इन तुसल्ली वापस जाओ और नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी वो शख्स चला गया और नमाज पढ़कर फिर आकर वापस सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया फिर फरमाया जाओ नमाज पढ़ो तुमने नमाज नहीं पढ़ी तीन बार नमाज पढ़ को आया तो वो जवाब मिला तो वो शख्स कहने लगा मा की जिसने आपको हक के साथ भेजा है मैं इससे ज्यादा बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता आप मुझे नमाज पढ़ना सिखाएं तो अल्लाह के नबी सरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर कहो तुम मकर मा का मिनल कुरान जितना कुरान तुमको याद हो पढ़ो एक ही सूरत याद है पूरी रकात में वो सूरत ही पढ़ो इखलास मुझ पढ़ो तुम मरका हत्या फिर रुको में जाओ रुको बिल्कुल इतमान के साथ हो तुम मफ अल कफी सलाती का और फिर अपनी पूरी नमाज ऐसे ही अदा करो इत्मीनान के साथ पढ़ो और भी हमारे साथ बातें हैं इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म करेंगे पीर चाहशमे के दिन तो फिर हमारा अगला दर्स कब है चार के दिन है इंशाल्लाह आप इन बातों को याद रखें जो बातें आज हम दर्स में पढ़ा है नीयत भले कितनी भी अच्छी आपकी हो लेकिन वो जो काम आप कर रहे हैं वो काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए यहां हमने बहुत सारी मिसालें आपके सामने दी रोजा रखा पहले कुर्बानी की मिसाल थी साहबी ने कुर्बानी किया लेकिन नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया इसलिए उनकी कुर्बानी नहीं हुई रोज़ा फतह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि लोग गुनहगार हैं अल्लाह के वसल्लम के साथ जुमा पढ़ के निकलेंगे सोचा तो कहा कि तुम भी क्या कर रहे हो गलत कर रहे हो नीयत कैसे भी हो अमल कैसे होना चाहिए सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए क्या तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन इसको हम ख़त्म करेंगे मंगल चाहशमे के दिन ना चाहशमे के दिन इन मंगल की रात हम वापस आ जाएंगे तो चाहशमे के दिन इनशा इसको ख़त्म करेंगे तो मेरी ख़्वाहिश है कि जो बातें हम पढ़ते हैं उसे आप याद रखें किसी को आप समझा सकें देखो ये आमाल हैं इन्होंने भी अच्छे मकसद से किए हैं लेकिन अमल गलत था इसलिए अल्लाह के नबी ससम ने कहा कि अमल मरदूद है।, है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही इलमात फरमाए आमीन। असलम आलैक्म वरमि